नाबालिग लड़की के अपहरण कर उसके पिता के हत्यारे पुलिस गिरफ्त में। कांकेर जिला दुधावा थाना क्षेत्र में एक घर में घुसकर नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके माता पिता पर जानलेवा हमला करने वाले आरोपी अजय मरकाम पिता शिव प्रसाद मरकाम उम्र 22 वर्ष निवासी बिरकुंडी को आज कांकेर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। घटना दिनांक 3/6/2023 की प्रातः दुधावा थाना क्षेत्र बिहापारा की है, जहां पर रात्रि में सो रहे परिवार पर एक अज्ञात युवक ने जानलेवा हमला करके एक लड़की का अपहरण कर उसके पिता को जान से मार डाला। माता गंभीर रूप से घायल हो गई, जिससे जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है। जानकारी मिलते ही पुलिस ने मर्ग कायम किया और आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के विरुद्ध अपराध धारा 450, 458, 459, 302, 307 और 363 का मामला दर्ज किया गया है। मृत्यु हो चुकी है, जबकि उसकी माता को गंभीर स्थिति में मुकाहारा रायपुर रवाना किया गया है, जहां उसका इलाज अभी जारी है। लड़की के माता पिता द्वारा आरोपी अजय मरकाम के विरुद्ध पुलिस चौकी दुधावा थाना नहरपुर में धारा 363, 354, 342, 457, 506, 323, 18 के तहत नाबालिग बालिका के परिजनों द्वारा केस दर्ज कराया गया था, जिससे कि वह नाबालिग लड़की के माता पिता से काफी नाराज था। दो दिनों की मशक्कत के बाद आरोपी को 5 मई 2023 को गिरफ्तार कर रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। इस प्रकरण में SDOP कांकेर CG मोहसिन खान, निरीक्षक रविशंकर शाहू, निरीक्षक नरेश दीवान के द्वारा सराहनीय कार्य किया गया। रविशंकर साहू और उनकी पूरी टीम इसमें लगी हुई थी। कुछ अंदाज आ रहा था कि पूर्व में भी जो एक घटना हुई है उसी जो बच्ची है उसके साथ जो 354 की घटना हुई थी उससे रिलेटेड हो सकता है। उसकी सबके आधार पर उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए पतासाजी किया गया कि कहाँ कहाँ जा सकता है, और कल पूरे दिन पूरी रात इसको ढूंढा गया। गांव वालों बताया गया कि यहाँ भाग रहे हैं, यहाँ भाग रहे हैं, इस प्रकार से कुछ जंगल में कुछ वहाँ अपने जो इनो जिले का पड़ता है बुरई और अपने कांके का आसपास का एरिया, वहाँ नक्सली एरिया भी है, उस जंगल में भागे हुए का पता चला। तो विशेष टीम विथ CF प्रोटेक्शन हमारे द्वारा जंगल को छाना गया और आरोपी को गिरफ्तार, अजय मकाम को गिरफ्तार किया गया। तब उसने अपना गुनाह कबूल किया कि हाँ, उसने ही ये प्रेम भावना और द्वेषवश इस प्रकार की घटना कार्य किया है। तो आरोपी को भी पुलिस हिरासत में लिया गया है और उसके बाद जेल भेजा गया है।